लोकसभा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रौद्र रूप राष्ट्रपति अभिभाषण प्रसंगे धन्यवाद जनवा सहित विरोधी को बेस धोई मोदी विशेषकर कांग्रेस और राहुल गांधी धूम धूले देश दीर्घ समय पर्यंत तुष्टिकरण मॉडल देखि सारी आम तुष्टिकरण नुहे संतुष्टिकरण मंत्र चलुच्छू बोली मोदी कहते कांग्रेस को परजीवी सहित तृतीय थर केमिति कांग्रेस को भारतवासी विरोधी आसन ही बसाई रखिंट तार तथ्य प्रमाण थी बर्षि प्रधानमंत्री सेना को दुर्बल करने कांग्रेस षड्यंत्र भी पोल खोली राहुल गांधी भाषण को बालक बुद्धि विलाप कहवा सहित कांग्रेस हिंदू विरोधी मानसिकता को कड़ा निंदा कर प्रधानमंत्री से देशर विकास को नहीं सरकार विजन को देशवासी सामने थोड़ा सहित पेपर लीक मामलें दोषी को छड़ा जबार प्रश्न नहीं बोली अभयवाणी शुणाई मोदी परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है। नया खेल खेला जा रहा है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी माँ भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा माँ मुझे आज स्कूल में मारा गया। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को मां की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था। उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टिकरण की राजनीति भी देखी। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टिकरण का गवर्नेंस का मॉडल भी देखा। देश ने पहली बार सेक्युलरिज्म का एक पूरा हमने जो प्रयास किया और वो हमने तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण और संतुष्टिकरण के विचार को लेकर के हम चले हैं। आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि सीडीएस व्यवस्था बनने के बाद देश में सुरक्षा के लिए जरूरी थिएटर कमांड की दिशा में प्रगति हो रही है। आदरणीय सभापति जी, आत्मनिर्भर भारत, उसमें हमारी सेना को आत्मनिर्भर बनाना, उसकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। हमारी देश की सेना युवा होनी चाहिए। सेना दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए होती है। हमें हमारे युवाओं पर भरोसा होना चाहिए। सेना में युवाओं की ताकत बढ़ानी चाहिए और इसलिए हम लगातार युद्ध योग्य सेना बनाने के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं।
समय पर रिफॉर्म न करने के कारण हमारी सेना का बहुत नुकसान हुआ है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एनडीए सरकार ने बीते 10 वर्षों में विकास को अपना सबसे बड़ा संकल्प बनाया है। हिंदू धर्म को उसकी तुलना डेंगू मलेरिया ऐसे शब्दों से करें और ये लोग तालियां बजाए, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। आदरणीय सभापति जी, एक सोची समझी रणनीति के तहत इनका पूरा इकोसिस्टम, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना, उसे गाली देना, उसे अपमानित करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।